हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज, राइट। इसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग का। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करवाऊंगी। सो ठीक है, चलिए अभी बिना किसी देरी के फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं तो दोनों ही मैट्रिक्स है ना, BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स, ये दोनों ही किस लिए यूज़ की जाती है। कंपनी ना, कोई भी एक कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स होते हैं। अभी किस में उसको इन्वेस्ट और ज़्यादा करना चाहिए, कौन सा बिजनेस यूनिट या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें उसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में उसे रोक देना चाहिए और किस में उसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए, वहीं बंद कर देना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए। तो बस यही चीज़ देखने के लिए, यानी कि जो कंपनी का प्रोडक्ट फोलियो होता है, बिजनेस फोलियो होता है, उसी को ही एनालाइज करने के लिए BCG मैट्रिक्स एंड GE मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। दोनों ही एक स्ट्रेटेजिक टूल है, इसलिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डन, मीनिंग दोनों का समझ आया। अभी सबसे पहले अगर हम बात करें BCG मैट्रिक्स की, तो BCG मैट्रिक्स को दिया किसने था, ब्रूस टी हेंडरसन ने 1970 के अंदर इसको डेवलप किया था। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ना, प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनको एक कंपनी जो है वो एनालाइज कर सके, उसको इवैल्यूएट कर सके और ये डिसीजन ले सके कहाँ पे हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट रोक देनी है, कहाँ पे हमने ज़्यादा करनी है इन्वेस्टमेंट, इसके लिए यूज़ किया जाता है। डन, आया समझ। अभी जो BCG मैट्रिक्स है, ये दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। इसको ना बेसिकली जो BCG मैट्रिक्स है, इसको ग्रोथ मैट्रिक्स भी बोलते हैं और शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों पे बेस्ड है, दो डायमेंशंस पे बेस्ड है। पहला तो ये कि कंपनी ने जिस भी मार्केट को टारगेट किया है या जिस भी मार्केट को वो टारगेट करना चाहती है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है ना, उसकी ग्रोथ की स्पीड कितनी है, उसका ग्रोथ रेट क्या है। दूसरे नंबर पे उस टारगेट मार्केट में कंपनी का शेयर कितना है। पहले नंबर पे तो ये कि जो भी मार्केट है वो कितने बढ़िया तरीके से, कितनी स्पीडली वो ग्रो कर रही है ना, पहले नंबर पे तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे उसी मार्केट में, उसी टारगेट मार्केट में उस कंपनी का शेयर कितना है, मार्केट शेयर कितना है, ये दो ही डायमेंशंस के ऊपर जो बेसिकली ये जो पूरी BCG मैट्रिक्स है वो बेस्ड होती है। डन, अभी इसमें ना चार कैटेगरीज आती हैं, चारों कैटेगरीज हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे जो पहले है, या आप देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे पहले जो है इधर मार्केट ग्रोथ रेट है और इधर जो है वो मार्केट शेयर है, यानी कि कंपनी का शेयर कितना है। दो डायमेंशंस होते हैं। अभी दो जो डायमेंशंस है और ये चार कैटेगरीज है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स। डन, ये चार जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड स्टार। स्टार कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं जिनका जो है ना ग्रोथ रेट भी बढ़िया होता है, बढ़िया स्पीडली वो ग्रो भी कर रही होती है और कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है। इसमें ना मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगी, सैमसंग कंपनी का। कौन सी कंपनी का, सैमसंग कंपनी का। डन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स में अगर हम देखें स्मार्टफोन, अभी आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है। पहले के टाइम पे लेडीज़ के पास कहीं ही होते थे फ़ोन, है ना, और होते भी थे तो वो छोटे वाले फ़ोन होते थे, और नॉर्मली जो घर के बड़े लोग होते थे उनके पास भी वो छोटे वाले फ़ोन होते थे, है ना। तो बेसिकली आजकल के टाइम पर क्या है, आजकल के टाइम पर हर इंसान के पास, चाहे वो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं या ओल्ड एज पीपल हैं, सबके पास ही आजकल के टाइम पर स्मार्टफोन होने लगे हैं। तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़िया है मार्केट की, और ऊपर से सैमसंग के फ़ोन कितने ज़्यादा बिकते हैं, यानी कि स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर जो सैमसंग कंपनी का मार्केट शेयर है वो भी बहुत बढ़िया है ना। तो दोनों चीज़ें हाई होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इस केस में अगर बेसिकली कोई भी जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो स्टार कैटेगरी में लाई करता है, फॉल करता है, इन दैट केस कंपनी को क्या करना चाहिए, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है ना, कि ना इसमें जो ग्रोथ रेट है वो तो बढ़िया होता है। फॉर एग्जांपल हम स्मार्ट वॉच का लेके चलते हैं, अभी स्मार्ट वॉच आप देखो तो पहले के टाइम पे कोई पहनता था,
कोई नहीं पहनता था, है ना। बट अभी आजकल के टाइम पे देखो ट्रेंड के मामले में तो हर जो है वो स्पेशली यंगस्टर्स जो होते हैं उनके हाथों में आपको सिंपल घड़ी नहीं देखने को मिलेगी, स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, राइट। तो अभी जो स्मार्ट वॉच है वो कितनी स्पीडली ग्रो कर रहा है ना, उसका जो मार्केट ग्रोथ है वो तो अच्छा है, हाई है मार्केट ग्रोथ। बट आपने देखा होगा अगर सैमसंग की जो स्मार्ट वॉच है अभी फिर भी कंपैरेटिवली कम बिकती है, तो सैमसंग कंपनी का जो स्मार्ट वॉच के अंदर मार्केट शेयर है ना वो थोड़ा अभी क्या है, कम है, डाउन है। और बहुत सारी कंपनी है, एप्पल है, बॉट है, फायरबोल्ट है, तो ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके स्मार्ट वॉचेस बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिकते हैं। तो सैमसंग का भी जो शेयर है बेसिकली वो कंपैरेटिवली क्या है, लो है। डन, यहाँ तक आया समझ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कैश काउज में। कैश काउज में बेसिकली वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनका ग्रोथ रेट तो होता है एकदम ऐसे स्लोली 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 वो बढ़ रहा होता है, बट मार्केट शेयर अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी के आप अप्लायंसेज लेके देखो तो अभी जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, वॉशिंग मशीन है, ये सारे अप्लायंसेज हो गए, तो बेसिकली ये अभी खरीद खरीद के लोग कितनी खरीद लेंगे, है ना। कोई ऐसे तो है नहीं हर महीने वो फ्रिज लेके आएंगे, हर महीने वॉशिंग मशीन लेके आएंगे, ऐसा तो लोग नहीं करते हैं ना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी जो है वो बेसिकली लंबे टाइम तक चलती है, दो दो साल, तीन तीन साल, पाँच पाँच साल, दस दस साल भी लोग इसे चेंज नहीं करते हैं इजीली, तो बिक बिक के कितनी बिक जाएंगी, है ना। तो इस वजह से इसका जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो तो अच्छा तो है, बट अभी इतना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा स्लो है मार्केट ग्रोथ रेट है। बट सैमसंग के अगर आप लेकर के देखो तो सैमसंग के जो अप्लायंसेज हैं वो कितने ज़्यादा बिकते हैं, तो सैमसंग का जो मार्केट शेयर है अप्लायंसेज के केस में वो कितना ज़्यादा है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन, सैमसंग के टीवी, एलईडीज वगैरह होगी, और सैमसंग के जो है वो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, कितने ज़्यादा बिकते हैं, राइट। तो उसका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये हो गया अपना कैश काउज हो गया। इसके बाद लास्ट हम चलते हैं डॉग की कैटेगरी में। डॉग की कैटेगरी में वो वाले प्रोडक्ट लाए करते हैं जिनका ना तो मार्केट में शेयर अच्छा है ना ही ग्रोथ अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली वो ग्रोथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के अगर आप केस में देखो तो मार्केट में कितने लोग खरीदते हैं पर्सनल यूज़ के लिए प्रिंटर, बहुत कम खरीदते हैं, है ना। रेयर ही कोई होगा जो वक्रा ही होगा जो खरीदता होगा पर्सनल यूज़ के लिए। नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कंपनीज हैं, या जिनका प्रिंटिंग का काम है वो लोग प्रिंटर्स खरीदते हैं अपने प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए, है ना। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, वो लोग खरीदते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर क्या है, ग्रो कर रहे हैं बट बहुत ही ज़्यादा स्लो 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 स्पीड पे ग्रो करते हैं। और दूसरे नंबर पे अभी सैमसंग कंपनी के जो प्रिंटर्स हैं वो बहुत कम बिकते थे, इस वजह से सैमसंग कंपनी का जो प्रिंटर का जो मार्केट शेयर था ना वो बहुत ही ज़्यादा कम था। और आपको अगर पता हो तो ऑलरेडी 2016 में सैमसंग ने अपने जो प्रिंटर्स का डिवीज़न था वो किसको दे दिया था, HP कंपनी को दे दिया था। क्यों दे दिया था, क्योंकि वो डॉग वाली कैटेगरी में आ गया था, ना तो ग्रोथ रेट अच्छी और ना ही मार्केट शेयर अच्छा, दोनों ही कम है, तो फिर वो किस में आ गए, डॉग कैटेगरी में आ गए। तो डॉग कैटेगरी में क्या करती है कंपनी, उसमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रोक देती है, हो सकता है वो डिवीज़न वो परमानेंटली बंद कर दे या किसी और को दे दे, ठीक है। सो ये बेसिकली चार हमने पढ़े हैं कैटेगरीज, स्टार, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। ये BCG मैट्रिक्स की 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, स्टार्स तो देखो बहुत याद रह जाएंगे, स्टार में दोनों ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना, दोनों ही चीज़ें हाई होंगी तो चमकते सितारे हैं ये तो। अभी कैश काउ है, अगर आप देख लेकर के चलो काउ है, ठीक है, काउ कितनी बड़ी सारी होती है ना, बड़ी सारी होती है मतलब वो ज़्यादा स्पेस घेरती है, राइट, ज़्यादा स्पेस घेरती है, दैट मीन्स उसका शेयर कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब मार्केट के अंदर वो ज़्यादा स्पेस घेर रही है, शेयर बहुत ज़्यादा होगा। बट वो स्लोली 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 चलती है काउ, राइट, धीरे धीरे चलती है, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। कि याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो कैश काउ है उसका, उसके अंदर क्या रहता है, बेसिकली ग्रोथ रेट कम रहता है और मार्केट शेयर स्पेस ज़्यादा घेरती है काउ, तो वो ज़्यादा रहता है। डन, इसके बाद अगर हम डॉग्स की बात लेकर के चलें तो डॉग्स में दोनों ही चीज़ें कम होती है, स्पेस भी थोड़ा सा ही घेरते हैं डॉग्स, है ना, छोटे छोटे होते हैं डॉग्स, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो भी क्या होता है, कम होता है, और चलते भी धीरे धीरे ऐसे पूंछ पूंछ हिला हिला के धीरे धीरे चलेंगे, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या होता है, कम होता है। डन, और स्टार रह गया मतलब सब अच्छा ही होता है, जो चौथा बच गया वो क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ये तो जो बच गया आंसर वो क्वेश्चन मार्क हो ही जाएगा। डन, चलिए अभी ये हो गई जी अपनी BCG मैट्रिक्स कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट वन आती है दैट इज कॉल्ड GE9 सेल मैट्रिक्स। इसको ना GE मैकेंजी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अभी क्यों बोला जाता है वो मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगी, ठीक है।
सबसे पहले तो ना कंपनी का नाम था, कौन सी कंपनी, दैट इज जीई कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी। उन्होंने क्या किया ना, हायर किया, किसको हायर किया, मैकेंजी कंपनी को हायर किया, जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी थी, कंसल्टिंग फर्म थी, जो एक मतलब लोगों को कंसल्ट करने का काम करती थी, ठीक है। तो मैकेंजी एंड कंपनी को जीई कंपनी ने हायर किया और बोला कि भाई हमारे लिए एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन करके दो, ऐसा टूल डिज़ाइन करके दो, जिसके थ्रू हमारे जो इतने सारे बिजनेस यूनिट्स हैं हम उसको एनालाइज कर सकें कि हमें कौन से बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करना है और कौन से बिजनेस यूनिट में हमें रुकना है और कौन से बिजनेस यूनिट में हमें बंदी कर देना है, लिक्विडेट ही कर देना है परमानेंटली। तो बेसिकली ये जो था मैकेंजी एंड कंपनी को जिम्मा सौंपा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, किसने दी थी, जीई कंपनी ने दी थी कि ऐसा मॉडल हमारे लिए बना करके दो। तो बनाया किसने, ये मैट्रिक्स दी किसने, डेवलप किसने की, मैकेंजी एंड कंपनी ने, राइट। और बनवाया किसने ये मॉडल कह करके, बनवाया किसने, जीई कंपनी ने, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। 1970s में मॉडल ये बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली इसको इस वजह से जीई मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि जीई कंपनी ने बनवाया था, और मैकेंजी मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बनाया था, ठीक है, आया समझ। इसलिए इसको दोनों नामों से जाना जाता है। और इसको जो है वो नाइन सेल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जीई नाइन सेल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नाइन डब्बे होते हैं, नो डब्बे होते हैं, नो बॉक्सेस होते हैं, नो सेल्स होते हैं, इस वजह से इसको नाइन सेल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। डन, समझ आए यहाँ तक इसकी हिस्ट्री। इसके बाद इसको ट्रैफिक सिग्नल क्यों बोला जाता है, ये स्टॉप लाइट, ये आपको आगे समझ आएगा। और ये मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही ओवरऑल, कि बीसीजी एंड जीई जो नाइन मैट्रिक्स है दोनों ही बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है या फिर जो बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, उसको कंपनी क्या कर सके, एनालाइज कर सके, ये डिसीजन लेने के लिए किस में रुकना है, किस में जाना है, ठीक है। डन, चलिए आगे चलते हैं इसके डायमेंशंस के ऊपर। जैसे बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर दो डायमेंशंस थे, वैसे ही इसके अंदर भी दो डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला तो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, जो सामने वाली इंडस्ट्री है ना, पूरी इंडस्ट्री उसमें सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे वो पर्सन जो सेम ही बना रहे हैं, सेम ही लाइन में हैं, वो सारी पूरी अपनी एक इंडस्ट्री होगी। तो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी है, इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो ये कौन सा हो जाता है जी, पहला डायमेंशन हो जाता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कितनी है। दूसरे नंबर पे उस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हम लोग कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, हमारे पास कितनी बिजनेस स्ट्रेंथ है, हमारे पास अगर अच्छी बिजनेस स्ट्रेंथ होगी तो हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री का फ़ायदा उठा सकेंगे, है ना। और अगर हमारे पास बिजनेस स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो हम फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। एक ये भी केस हो सकता है कि बिजनेस स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छी है बट इंडस्ट्री बढ़िया नहीं है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव नहीं है, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दो डायमेंशन होते हैं, अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ। डन, आए समझ। इसके बाद इसमें हम चलते हैं नाइन बॉक्सेस के ऊपर। नाइन बॉक्सेस को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर नाइन सेल्स होते हैं, नाइन बॉक्सेस होते हैं। कौन कौन से नाइन बॉक्सेस रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें तीन तो रहेंगे ग्रीन, तीन रहेंगे ग्रीन, तीन रहेंगे येलो, और तीन होते हैं इसके अंदर रेड। डन, यहाँ तक आया समझ। वही दो डायमेंशन होते हैं, एक तो बिजनेस की स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, और एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, ये दूसरा डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो ये दो डायमेंशंस हो गए और तीन 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 करके नाइन टोटल यहाँ पर बॉक्सेस हो जाते हैं। डन, अभी सबसे पहले हम चलते हैं ग्रीन बॉक्सेस के ऊपर। ग्रीन जोन में, ग्रीन जोन में प्रोडक्ट कब आता है, ये ग्रीन जोन में बिजनेस यूनिट कब आता है, या तो ना दोनों ही चीज़ें स्ट्रेंथ और अट्रैक्टिवनेस, दोनों ही चीज़ें स्ट्रांग है, हाई है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हाई का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ग्रीन जोन में आ जाएगा। देन और उसके अलावा किसी भी एक, कोई भी एक चीज़ दोनों में से, स्ट्रेंथ और अट्रैक्टिवनेस में से कोई भी एक चीज़ तो बढ़िया है, टॉप पे है, हाई पे है, या फिर वो स्ट्रांग है, दूसरी चीज़ जो है वो मीडियम है, एवरेज है, ठीक है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन दैट केस भी जो बिजनेस यूनिट है वो किसके अंदर लाई करेगा, ग्रीन जोन के अंदर लाई करेगा। डन, या तो दोनों ही चीज़ें बढ़िया है या फिर दोनों में से एक चीज़ तो बहुत बढ़िया और एक चीज़ एवरेज है, मीडियम है। डन, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, किस में आ जाएगा, ग्रीन जोन के अंदर बिजनेस यूनिट आ जाएगा। फिर इसमें कंपनी को क्या करना चाहिए, बढ़ते चलो आगे, जैसे ग्रीन लाइट होती है ना ट्रैफिक सिग्नल पे, जो ये जैसी ग्रीन लाइट होती है वैसे सब चल पड़ते हैं, तो बस वही ये चीज़ डिनोट करती है कि जब एक कंपनी का बिजनेस यूनिट ग्रीन जोन में होता है वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, ठीक है। डन,
इसके बाद हम चलते हैं येलो जोन पे। येलो जोन में अभी कब आता है, कब बिजनेस यूनिट लाई करता है येलो जोन में, या तो दोनों ही एवरेज है, ठीक है, मतलब एक मीडियम है एक एवरेज है, दोनों ही क्या हो गए, बीच के हो गए। एक तो हो गया ये पहला केस, ठीक है। दूसरा केस ये हो गया, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या हाई पे है, ऊपर है एकदम, एक एकदम नीचे है, लो पे है या फिर वीक पे है, मीडियम का खाता खत्म, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पे है या हाई पे है, और एक बहुत ज़्यादा वीक पे है या लो पे है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो भी क्या होता है, येलो जोन होता है। यानी कि एटलीस्ट एक चीज़ तो स्ट्रांग है ना, एक भले ही लो है बट एक तो स्ट्रांग है, तो वो किस में आता है, येलो जोन में आता है, या फिर दोनों ही मीडियम पे है। डन, यहाँ तक समझ आया। अभी येलो जोन में जब भी कंपनी होती है तो फिर वो क्या करती है, इस केस में रुक जाती है, थम जाती है कि हाँ भी हमें केयरफुली इन्वेस्ट करना है, रुक जाओ देखो पहले। जैसे येलो लाइट होती है तो हम वेट करते हैं, देखते हैं, होल्ड करते हैं, तो बस वही चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ना ही एकदम से ऐसे बंद कर दो, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के चलो। इसके बाद लास्ट आता है हमारा फाइनली, दैट इज़ रेड जोन। रेड जोन में क्या होता है ना, कि रेड जोन में कब आता है कोई भी कंपनी का जो बिजनेस यूनिट है, बेसिकली वो कब आता है, दोनों ही चीज़ें बेकार है, दोनों ही चीज़ें लो पे है, वीक है, लो है, एक चीज़ लो है एक चीज़ वीक है, दोनों ही कम है, तो रेड जोन में आ जाएगा, राइट। उसके अलावा सेकेंड इसमें क्या केस होता है, मीडियम के साथ लो का कॉम्बिनेशन है, या फिर एवरेज, मतलब बेसिकली एक चीज़ तो है वो बीच में है, मीडियम है या फिर एवरेज है, दूसरी जो चीज़ है वो कम पे है, यानी कि लो पे या फिर वीक पे, जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो भी रेड जोन बनता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग और हाई का तो खाता ही खत्म, स्ट्रॉन्ग और हाई तो कुछ भी नहीं है, मीडियम के साथ या फिर एवरेज के साथ कम वाले का, लो वाले का जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट मीन्स फिर वहाँ पे कंपनी क्या होगी, रेड जोन में होती है। इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए ना, कि रुक जाना चाहिए। जैसे रेड लाइट पे हम लोग रुक जाते हैं, एकदम ऐसे स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इस केस में कंपनी को बिल्कुल भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए, साइड में रख देना चाहिए उस बिजनेस यूनिट को, उस बिजनेस डिवीजन को। और दूसरे नंबर पे अगर एकदम ही लो है, बिल्कुल ही वीक है, सब कुछ बिल्कुल ही लो है, तो उस केस में तो इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, उसे डिवेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी की हुई थी उसे निकाल लेनी चाहिए, अपना बिजनेस सब बेच बूझ के सब उसको लिक्विडेट कर दे, ठीक है, तो यही अच्छा होता है। या फिर उस थोड़ा मतलब होल्ड कर ले, होल्ड नहीं कहूँगी, बस स्टॉप कर दे, स्टॉप करने के बाद उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं रेड जोन के अंदर। डन, सो ये नाइन, बेसिकली नाइन सेल की जीई मैट्रिक्स है। अभी आपको ये तीनों भी समझ आ जाएंगे। ग्रीन में आगे चलते रहो, एक्सपेंड करो, येलो के अंदर स्टेबल स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करो, और रेड के अंदर तो रीबिल्ड करो, या तो मतलब उसको सारे को पूरे बिजनेस यूनिट को रीबिल्ड करो, या फिर लिक्विडेट ही कर दो, बंद ही कर दो, ठीक है। डन, आया समझ। चलिए, अभी ये जो मैंने आपको बताया था जीई मैट्रिक्स एंड बीसीजी मैट्रिक्स, ये टॉपिक हमारा हो गया है पूरा। कैसी लगी हो वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, सब कुछ समझ में आया हो तो। सो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू सो मच।